अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिर से हाजिर हैं कुकिंग विद फरा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेगेटी विद मैक्रोनी। और जो है ये मैंने सब्जियां काट ली हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, काली मिर्चें, और ये मैंने टिक्का मसाला, लहसुन अदरक और एक नींबू डाल के ना इसको मसाला लगा के रख दिया था आधे घंटे पहले। थोड़ा सा लहसुन अदरक लिया था और थोड़ी सी काली मिर्चें डाली, थोड़ा सा नमक। नमक क्योंकि टिक्का मसाला में होता है तो मैंने चुटकी भर डाला है, और इसको मैंने मैरिनेट होने रख दिया था। तो अब मैंने ये कढ़ाई निकाली, इधर मैं सब्जियां फ्राई करूँगी, वो मैंने रखना है पानी बॉयल होने। यहाँ मैं स्पेगेटी का पानी वो करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ पानी भी ऐसे डायरेक्ट ऑयल, उसको इसकी ट्रिक्स होती हैं, फिर मैं आपको वो आपको अभी दिखाती हूँ कि किस क्या क्या डालना है। और भी लेने शेता मजे। हम अब इसमें पहले डालेंगे थोड़ा सा ऑयल पानी के अंदर, स्पेगेटीज को वो करने के लिए पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, मेरे खानों में सारे खानों में पिंक सॉल्ट होता है, यहाँ बस भी ज़रूरत इसमें डाल दें। ऑयल से ये स्पेगेटी आपस में जो है ना चिपकेंगी नहीं और अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगी। अगर अभी ठंडे पानी में हम नहीं डालेंगे, अभी जब तक पानी खोल नहीं जाता हम इसके अंदर स्पेगेटी नहीं डालेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा कि इसको गर्म पानी में स्पेगेटी इसको डाला जाता है, ठंडे में नहीं डाला जाता। हमने यहाँ चूल्हा जला लिया है, अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। हमने इसमें ऑयल डाल दिया, ये मेरे पास एक पाव की जितनी जो है ना, एक पाव थोड़ा ज़्यादा है, चार बड़ी बोनलेस मैंने ली थी बूटियाँ ना, चार से पाँच आप ले लें और इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लें। और फिर इसको टिक्का मसाला लगा के आप मैरिनेट होने लहसुन अदरक डाल के और एक नींबू डाल के रख दें अपने टेस्ट के लिहाज से, और फिर इसको फ्राई करेंगे। हमारा पानी बॉयल हो गया, अब हम इसके अंदर ये स्पेगेटी और ये मिक्स करके ना मैक्रोनी डालेंगे। हम मिक्स बनाते हैं, किसी को खाली ये खाना होता है, किसी को वो खाना होता है। इसको बीच में से मैं ब्रेक कर दूँगी ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। खोलते हुए पानी में इस तरह से डालेंगे, हमेशा खड़ा करके डाला जाता है ये। अगर आप पूरा भी डाल रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे बीच में से दो हिस्सों में, तो आप पूरा खड़ा करके डालेंगे इसको ना, यूं करके इस तरह से डाल देंगे। ये नहीं ऐसे नहीं डालना है, इसको ऐसे डालते हैं। अब हम इसमें मैक्रोनी डाल देंगे, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है, मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा डाला है, पूरा पैकेट ही डाल दिया है। एक ये था, ये कम्प्लीट नहीं था, इसमें थोड़ा सा मैंने यूज़ किया। अगर ये जब हो जाए, अच्छा इसमें थोड़ी कसर रखते हैं, थोड़ी सी कसर रखेंगे इसमें, क्योंकि ये गर्म होता है तो मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपने इसको ओवर कुक कर लिया ना तो इसका जायका बदल जाएगा, सड़ने वाली खुशबू बदबू आएगी। तो इसको ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा पहले उतारेंगे क्योंकि ये इसके अंदर हीट रहती है, और उस पर पानी डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है ना चिकन जो है फ्राई हो गया। अब हम इसमें सब्ज़ी मिक्स करते जाएंगे, पहले हम बंद गोभी डालेंगे क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, और शिमला मिर्च कुछ मिलता रहता है। इसको ज़रा सा वो करके मिक्स करके फिर मैं इसमें हरी प्याज डालूँगी। ये हमने 1 मिनट कर लिया, हम इसमें हरी प्याज जो हमने कट करके रखी थी ये डाल देंगे, और इसको मैं मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें हम अपना थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, सॉरी काली मिर्च डाल देंगे पिसी हुई, हरी प्याज से हरी मिर्चें मुँह पे चढ़ गई। सही है, हंस पे ज़रूरत आप ये ब्लैक पेपर जो है ना डाल दें। हम ये ना ड्रेन करने जा रहे हैं इसके अंदर स्पेगेटी को, फिर हम आपको ना, और ये पानी खुला रखना है, और फिर आखिर में ना जब ये ड्रेन हो जाएगा तो उसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको करेंगे, ताकि स्पेगेटी अपने उसमें चिपके ना। मैं ड्रेन, ये हमने ड्रेन कर लिया, अब हम इसमें ना ऑयल लगा देंगे ताकि ये आपस में जो है मिक्स कर देंगे, कि इस तरह से गर्म है, हाथ नहीं डालिएगा। देखें इसमें से अभी भी हीट निकल रही है, तो इसलिए आपसे कहा था कि इसको ओवर कुक नहीं करिएगा, इसको थोड़ा पहले उबाल लीजिएगा। इसको बनाने के ना दो तरीके हैं, एक ये प्लेन है मसाला, और एक में मैं केचप वगैरह मिला के आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी हम इसमें स्पेगेटी डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसमें वो एक प्लेट, दो प्लेटों में थोड़ा थोड़ा निकाला था जो हमने वो बैटर बनाया हुआ है इसमें से। अब हम इसमें क्या करेंगे, केचप डाल देंगे और जो है चिली सॉस डालेंगे, सही है, और इसमें थोड़ा सा ना इस और सिरका सोया सॉस डालेंगे उसमें, इस वाले में थोड़ा सा सिरका सोया सॉस डाल के इस वाले में हम इसको अभी फ्राई भी करेंगे दोबारा फ्राई पैन के अंदर।
ये केचप डाल रहे हैं, एक प्लेट बना रहे हैं तो जाहिर है उसके लिहाज से हम अलग अलग कर रहे हैं। गार्लिक सॉस, चिकन गार्लिक अभी वालों का है, ये दोनों हम डालेंगे इसमें। सोया सॉस इसमें हम डालेंगे, एप्पल का सिरका हमारे पास, जामुन का सिरका हो तो वो भी अच्छा है, थोड़ा सा डाल देना, एक प्लेट जितना। इसको मिक्स करेंगे, ये हमने इसमें केचप गार्लिक सॉस और सोया सॉस डाले, बहुत मज़े का हो गया, मैंने एक चखा है और आप भी चख के बताइएगा। इस वाले को ना थोड़ा सा फ्राई करेंगे, वो वाले उसमें हमने केचप डाल दिया था, अब इसको हम फ्राई करने जा रहे हैं। ये देखें इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना इसको ज़रूरत है फ्राई होने की, उसको ज़रूरत नहीं थी फ्राई होने की ना, केचप वगैरह ने उसका टेस्ट जो है ना उठा दिया था। इसमें हम थोड़ी सी ना सिरका डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह फ्राई करेंगे, क्योंकि ये प्लेन मसाला, ये वाले प्लेन मसाले हैं मेरे पास, देसी एप्पल का सिरका है मेरे पास जो है ना, पानी की तरह का चिली सॉस है, ये थोड़ा सा डालेंगे। अब ये देखें, ये अब हमने फ्राई कर लिया इसको, प्लेन मसाला वाले थोड़े से बना रहे हैं। किसी को केचप का जायका ना पसंद हो घर में तो आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा दो हिस्सों में कर सकते हैं, हमारे यहाँ केचप के ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं अभी बाकी हूँ, मैं सारा केचप डाल दूँगी। जिस अब ये बकिया का पास्ता हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे केचप दूसरी प्लेट की तरह, क्योंकि हम लोग केचप का खाते हैं। ये देखें, ये हम लोग डाल रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस हसबे ज़रूरत, अपने टेस्ट के लिहाज से आप अप एंड डाउन कर लें, एप्पल का सिरका अगेन, हमारा ये मज़ेदार सा पास्ता विद स्पैगेटी रेडी है। और ये देखिए, ये है हमारा, हमने ये प्लेट में निकाल के अभी आपको दिखाया था, और ये हमारा मसाले का है, और ये हमारा केचप गार्लिक सोया सॉस जो भी हो आपको सब इसमें डाल दें और मज़े करें, एंजॉय करें, अपने साथ रहिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हमें ज़रूर लाइक और शेयर कराइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुकिंग विद परा, अल्लाह हाफ़िज़।